उस्ताद गुलाम हैदर खान, जिन्हें फ़ख्रे मौसीकी के नाम से याद किया जाता है, इल्मे मौसीकी के वो गौहरे नायाब थे जो अपनी मिसाल आप थे। उनकी 84 साल ज़िंदगी क्लासिकी मौसीकी की तरवीज के लिए वक्फ रही और आज उनकी वफात से क्लासिकी मौसीकी और फ़न्ने मौसीकी को जो नुकसान पहुंचा है, इसका अंदाज़ा आने वाले कई वक्तों तक लगाया जाता रहेगा। उस्ताद गुलाम हैदर की वफात का बहुत दुख हुआ है। हम बचपन से देखते आ रहे थे अपने वालिद साहब के साथ, जब कोई महफिल होनी थी, पहले दो भाई थे, इकट्ठे गाते थे, अपने शागिर्दों को बहुत अच्छा बताते थे, बल्कि कोई भी इनसे पूछता था तो ये बता देते थे, कभी इन्होंने छुपाया नहीं। और एक उनमें ये बात थी कि वो जीदार थे, कोई भी अगर गलत कर रहा है, गलत क्लासिकल गा रहा है या कोई उसमें वादी समाधि का फर्क है या रोई मरोई का, तो वो फौरन उसको रोक देते थे, चाहे कोई भी हो। वो डरते नहीं थे, बड़े बाइलम थे। उनके जाने से मौसीकी को बड़ा लॉस है। खुदा ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह अता करे और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। फन्ने मौसीकी, खुसूसन क्लासिकी मौसीकी की अगर बात की जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि ये एक समंदर है और इस समंदर की वसत और गहराई का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जो इस समंदर की गहराई से बाखूबी वाकिफ हो। आज हम यहाँ पर जिस फनकार को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मौजूद हैं, वो इस समंदर की गहराई से बाखूबी वाकिफ थे। जिंदा दिल तबीयत के आदमी थे, क्लासिकी मौसीकी से वालिहाना लगाव था और उनमें खूबी जो थी वो ये थी कि वो फ़न को छुपाते नहीं थे। किसी ने भी कोई काम की बात पूछी तो उन्होंने बताया। और गाने वालों में वो पहले लिखने वाले आदमी थे जिन्होंने म्यूज़िक को तहरीरी तौर पर भी लाया। पाकिस्तान में या बरसग़ीर में जब भी मौसीकी के बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जाएगा, लिखा जाएगा, तो तारीख हैदर ख़ान साहब को एक गुनी कलामत की हैसियत, एक गुनी क्लासिकल जानने वाले की हैसियत से याद करेंगे। मैं समझता हूँ हैदर खान का नाम अगर मौसीकी की तारीख से निकाल दिया जाएगा तो ये अधूरी रह जाएगी। खान साहब, मैंने चूँकि मैं भी स्टूडेंट था, खान साहब का मैं बाकायदा शागिर्द भी हुआ 1966 में। उस वक्त वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर से थे मुंसलिक और वहाँ क्लासिकल प्रोग्राम किया करते थे अपने भाई, चचाजाद भाई इकबाल हैदर, ग़ुलाम हैदर के नाम से ये प्रोग्राम किया करते थे। इतना मौसीकी को जानते थे कि उनकी कम अज़ कम मेरे हिसाब से कुछ 6 से 8 किताबें मौसीकी पे हैं जो उन्होंने लिखी। तो हैदर खान साहब ने क्लासिकल मौसीकी की इब्तदा तो खैर अपने अब्बा ही से की थी, क्योंकि वो बहुत गुनी आदमी थे सादिक अली खान साहब और माडो खान जिन्हें उर्फ कहा जाता है। तो फतेह अली खान साहब से भी वो सीखे पूछे बाद में, जो तालीम है मौसीकी की, ख्यालात, ख्याल, बंदिशें, राग रागनियाँ। पंडित भास्कर राव का दी उनको उनकी जो किताब है जिसमें बेशुमार राग रागनियाँ, वो सारे अजबर थी उनको। इतना बड़ा आलम मौसीकी का, मर जाना तो एक 85 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और ये अमरे इलाही है कि किसी का मर जाना। इस दुनिया में सदा तो सिर्फ अल्लाह ही की बादशाही है। इंसान तो आते हैं, चले जाते हैं,
लेकिन उनकी बातें, उनके खसाइल, उनके फजाइल जिंदा रहते हैं। किसी का भी ये कह देना कि जी ये वादी सवादी क्या होता है, सिर्फ गाना होता है, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि वादी सवादी के बगैर आप राग का नाम भी नहीं ले सकते। उस्ताद गुलाम हैदर खान की खास बात ये थी कि उन्होंने क्लासिकी मौसीकी पे बहुत ज़्यादा तहकीक की और इस सिलसिले में बहुत सी किताबें भी तहरीर की। 32 ठाट का निज़ाम मौसीकी उनका वो कारनामा है जिसे बहुत अहमियत दी जाती है। ये सेक्रेटरी जनरल थे ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक गिल्ड के, तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने इनके बीसियों प्रोग्राम इनकी सुपरविजन में, इनकी सरपरस्ती में मैंने वो परफॉर्म किया वहाँ पे, और वो तकरीबन महाना प्रोग्राम होता था ईएमआई में, और ईएमआई में मुझे बेशुमार बड़े बड़े फनकारों को देखने का, सुनने का और अपने इल्म में इजाफा करने का इत्तफाक़ हुआ। अब ये तो ग़ुलाम हैदर ख़ान साहब की शख्सियत का एक खासा था कि वो एक बहुत तोहना मौसीकार भी थे, एनालिस्ट थे, राइटर थे, बुनियादी तौर पर वो प्रूफ रीडर थे और वो अखबारात में प्रूफ रीडिंग करते थे। उनकी अपनी किताबें भी, 4 या 5 किताबें उनकी शाया हो चुकी हैं और मौसीकी के बारे में वो किताबें हैं, जिसमें एक कहत सदारंग है, 100 अछोप राग है, 32 ठाठों की उनकी एक तहकीक शुदा किताब हाल ही में मंजर आम पर आई थी उनके इंतकाल से कुछ अरसा पहले। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हैदर ख़ान साहब एक इतना बड़ा नुकसान है हमारी मौसीकी की दुनिया के लिए कि ऐसे लोग जो 70 साल 80 साल में जिनकी परवरिश से नर्चर होते होते और उनकी एक मैच्योरिटी अटेन करने के बाद वो सर्व करते रहे इस मौसीकी को, और आज वो उस दुनिया से जा चुके हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके वालिद साहब उस्ताद सादिक अली मांडू, जो कि बहुत ही बड़े क्लैरिनेट नवाज थे, मैं जब रेडियो पाकिस्तान पर पहली बार ऑडिशन देने के लिए गया तो मेरा ऑडिशन उस्ताद मांडू खान साहब ने किया और उन्होंने ही अपने हाथों से मुझे ऑडिशन में पास किया था। तो मैं तो मेरा ताल्लुक उनके साथ बहुत दरीना, और उसके बाद जब मुझे मौका मिला फिरदौस गोश को जब हम बना रहे थे तो मुझे असातिज़ा की और बहुत बड़े बड़े जो हमारे जैयद मौसीकार हैं उनकी ज़रूरत पेश आई। बुढ़े खान साहब कसूरी, उनका तखल्लुस था ज्ञान खान सरस। ज्ञान खान सरस, वाह, तारीखी बात है। उनकी एक बंदिश बुजुर्गों से सुनी हुई है, मैं आपको सुनाता हूं पंजाबी में। ता ता दिन दिन ता ता दिन दिन ता ता दिन आवी वे रांझन, आवी वे रांझन, आवी वे रांझन, उठ दी करे जिरे उग वे आवी विराजन, आवी विराजन, आवी रमता जोगी बन बन, आवी रमता बन आवी, ईरत तीनू प्यातड़ फावे, हसरस ज्ञान मलूक वे आवी विराजन आवी। उस्ताद ग़ुलाम हैदर ख़ान कि ज़िंदगी के बारे यूँ है कि उनका मेरा रिश्ता जो है ना निसव सदी पर मुहित है। तो मुझे एहसान दानिश का एक शेर याद आ गया कि जो दिल में हो हम मुंह पे कहा करते हैं बेलाग, आईने कभी ज़ात बदल कर नहीं आते। तो ग़ुलाम हैदर ख़ान जो थे वो गुनी कस्बी तो थे ही, बहुत मुसीकी के माहिर थे, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदा दिल शख्स भी थे। जाहिर उन्होंने इतना काम किया, जाहिर घरानेदार शख्स थे,
उस्ताद सादिक अली खान मांडो के साहिबजादे थे, तो बहुत कुछ उन्हें मिला। तो मौसीकी के लिए उन्होंने जहाँ से जो कुछ मिला, वैसे तो वो नुसरत फ़तेह अली खान के वालिद फ़तेह अली खान सब के शागिर्द थे, फिर मौसीकी के जो असनाफ हैं तकरीबन तमाम असनाफ पर उन्हें उबूर हासिल था। हमारी मौसीकी में ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, गज़ल के अलावा चंद असनाफ जो हैं वो हज़रत अमीर खुसरो की इख्तरा हैं, जिनमें उनकी बनाई हुई रागों पर मबनी पहेलियाँ, कह मुकरनियाँ, और मौसीकी में क्लासिकल मौसीकी में ग़ुलाम नबी शोरी की इख्तरा टप्पा है। टप्पा ऐसी गायकी है, वो इसलिए भी नहीं गाई जाती कि उसमें हरकत मुर्कियाँ इंतहाई तेज़ किस्म की ताने होती हैं, तो ग़ुलाम हैदर खां वो भी सुना लेते थे। तो ये उनका एक मिजाज था, बिल्कुल हर बात सीधी करनी। बल्कि ये मोहसिन जाफर साहब का 3 साल फिरदौस गोश प्रोग्राम चला, उसमें तकरीबन शायद ही कोई मिस हुआ वो, वरना बाकायदा आते थे। एक रवायत के मुताबिक शाह मोहम्मद गौस प्यार से तानसेन को टोड़ी कहा करते थे। वाह वाह। एक रवायत रिटर्न है उसका, तो उसी नाम से जब वो अरूज पे आए और उन्होंने राग राग बनाने शुरू किए, तो ये ठाट है ना, जो ये इससे पहले पुराने संगीतों में यानी 16वीं सदी से पहले ये राग ये नहीं मिलता। ये बिल्कुल जैसा कि बृहस्पति ने अपनी किताब में लिखा है, ये बिल्कुल उसी दौर से शुरू हुआ है। मियाँ की टोड़ी के वक्त से ये टोड़ी ठाट बना है। वाह वाह वाह। हाँ, टोड़ी ठाट का ये ठाट जो बने हैं, ये तो ज़ाहिर है कि 19वीं सदी के आखिर में मोहम्मद रदा वगैरह और उसके बाद बातखंडे साहब ने, वरना उससे पहले तो ठाठों का अरूज नहीं था, मेल था, ठाट का लफ्ज ही नहीं था। बिल्कुल सही। तो ये टोड़ी के अकसाम जो है ना, दरअसल ये एक ऐसा स्केल है जिसमें बहुत कम राग बने हैं, या मेरे ख्याल में मियाँ की टोड़ी इतना कंप्लीट राग बन गया था कि उसके बाद उसमें से बाद पंचम निकाल के गुजरी टोड़ी बनाई गई। और इस टोड़ी ठाट में एक शाम का राग यानी मुल्तानी जी इसी स्केल में सारे गुजरी मियां की टोड़ी के सुर हैं। और मियां की टोड़ी के सुर, हाँ, सुर वही हैं सारे। और देसी टोड़ी के बारे में क्या ख्याल है? देसी टोड़ी दरअसल पहले थी कोमल देवर से, इसका सबूत किताबों में मिलता भी है। अभी बंदिशें हैं जिसमें दोनों देवर जी, अभी वो बंदिशें हैं, लेकिन अब गाता कोई नहीं, क्योंकि डू इन रोमेंस डू इन ट्रू, जैसा देश वैसा भेस, अगर वो तीवे देव से गाई जा रही है तो वो काफी टाट में आ गई। हाँ जी, तो ही मैं अर्ज करने का मकसद यही है, वो तो काफी टाट में आ गई। बड़े ग़ुलाम अली खान ने गाई, सारे जमाने ने गाई, अब तीवे देव से गाई जा रही है। तो फिर टोड़ी इसको कहना बजा है? नहीं, मैं तो नहीं कहता, मैं तो देसी कहता हूँ, राग देसी कहता हूँ, राग देसी। आज उस्ताद ग़ुलाम हैदर खान इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी किताबें और उनकी तहकीक क्लासिकी मौसीकी से वाबस्ता अफराद के लिए रहती दुनिया तक शमा का काम करती रहेगी, और इस शमा के उजाले से हर आने वाला फनकार फैज़याब होता रहेगा। खान साहब एक हमजद शख्सियत के मालिक थे, और बच्चों में और शागिर्दों में कोई ख़ास तफरीक नहीं करते थे, बल्कि वो बच्चों से, अपने बच्चों से ज़्यादा अपने शागिर्दों को जानते थे। इसकी बेतहाशा मिसालें हैं, एक शफीक उस्ताद थे, एक बेहतरीन नकाद थे, और फिर जब हम म्यूज़िक के दौरान कोई गलती करते थे तो इस्लाह के लिए उनका जो स्टाइल था वो बड़ा मज़ेदार और मीठा होता था। गलती को भी अगर कोई सुर गलत लग गया तो वो कहते थे आप ज़रा सुन लें कि क्या ये सुर ठीक लगा है, तो स्टूडेंट जो था वो खुद ही कहता कि नहीं जी, तो कहते हाँ ये गलत लगा था, तो बेटे आज इस तरह आप इस तरह कर लो। तो इस तरह से जब भी हमको गलती करते थे तो वो बड़े खुश होते थे कि यार आज आपकी एक जो है ना गलती वो ठीक हो गई है। हमारे मुल्क के बल्कि बरे सगीर के बल्कि दुनिया के सबसे अजीम जिसे सानी तानसेन कहा जाता है वो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान है। आप जानते हैं कि ये राग उस्तादों से ही उन्हें एक तरीका गलत मिला जी, यानी दानी रे की तार उन्होंने कही, दानी रे कहा, बिल्कुल सही। ये मैं खुदा न खासा उनकी हानत नहीं कर रहा जी जी, ये मकसद मकसूद नहीं है, सिर्फ बताने का ये है, उस दानी रे की तान ने इतराज़ पैदा किया
जी, वो बड़े गुलाम अली खान साहब तो उनका गाना ही ऐसा था कि उनको कह ही नहीं सकता था, लेकिन जब इल्म का मामला आएगा तो ये कहा जाएगा। कहा जाएगा, वाह। पारे की तान जरूरी है, मापा निशारे की तान, पानी दो तरीके, पानी जो आप हाँ जी बताई भी, आपने लक्षण में बताई है जी, सहदनी परे, वाह ये है सही, धनी रे ये गलत है, बिल्कुल सही है, शनाख्त है उसकी, माता निशा की तान जब वगैरह की। खान साहब आपसे कुछ सुनना भी चाहते हैं। अल्लाह खान कोल्हापुर वाले की किस्सा ही है। हाँ जी, एक पिया हो मैं जानत ना, क्या बात है, क्या बात, बिछड़त मो हे दुख होत पिया जा। सुभान अल्लाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। Oh, yeah.